हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, हमने अपनी लास्ट वीडियो में ये देखा था कि स्मॉल फ्रेंड एडिशन एज वेल एज स्मॉल फ्रेंड सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट कैसे होता है ना। हमने उस पर फॉर्मुलेस भी किए थे एंड उस पर कुछ सम्स भी किए थे, मतलब वो कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज देख लेना, क्योंकि ये वीडियो एक दूसरे से लिंक्ड है। मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर आप पहली वीडियोस नहीं देखी तो आपको ये वाली वीडियो बिल्कुल नहीं समझ आएगी। तो प्लीज पहले वो वीडियो देख लेना, देन ये देखना। गाइस, आज हम करेंगे बिग फ्रेंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, बिग फ्रेंड कॉन्सेप्ट भी स्मॉल फ्रेंड कॉन्सेप्ट की तरह है। बिग फ्रेंड कॉन्सेप्ट भी दो पार्ट्स में डिवाइड है और स्मॉल फ्रेंड कॉन्सेप्ट भी हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड था, दैट इज एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन। ये भी उसी तरह है, ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड है। कौन से? एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन, मतलब बिग फ्रेंड जो कॉन्सेप्ट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। तो गाइस, आज हम करेंगे बिग फ्रेंड एडिशन कॉन्सेप्ट, ठीक है, और उस पे नेक्स्ट वीडियो पे सम्स करेंगे, देन हम बिग फ्रेंड सब्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट करेंगे, मतलब धीरे धीरे करेंगे ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जैसे हमने स्मॉल फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट में किया था। ठीक है, आप ये वीडियो देखने से पहले प्लीज वो देख लेना ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, एंड गाइस, उससे पहले प्लीज अगर ये वीडियोस आपको पसंद हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट। सो गाइस, ये कुछ फॉर्मुलेस हैं जो बिग फ्रेंड एडिशन कॉन्सेप्ट पे हैं। ये टोटल 9 फॉर्मुलेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये टोटल 9 फॉर्मुलेस हैं इस बिग फ्रेंड एडिशन कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, जैसे हमने स्मॉल फ्रेंड एडिशन कॉन्सेप्ट किया था उसमें 4-4 फॉर्मुलेस इंक्लूड हो रहे थे, बट इसमें इस केस में 9-9 फॉर्मुलेस इंक्लूड होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें 5 एज अ बॉस प्ले करता था, मतलब हमारी मेन बीट ही 5 थी उसमें, बट इसमें मेन बीट है हमारी 10। ठीक है, वो कैसे क्या होता था उसमें स्मॉल फ्रेंड एडिशन का कॉन्सेप्ट क्या था गाइस? जैसे जैसे मैंने लिया 3, ठीक है, अब मुझे इसमें 2 ऐड करना है। 2 ऐड के लिए क्या करना था? मुझे 2 ऐड के लिए स्मॉल फ्रेंड एडिशन लगाना था। अब यहाँ पे सफिशियंट बीट्स तो है नहीं, सिर्फ एक बीट है, अब 2 बीट्स लेनी है, अब वो है नहीं, तो हम स्मॉल फ्रेंड एडिशन अप्लाई करते थे। वो क्या होता था? 5 में से 3 गया, दैट इज 2। क्या होता था कि 5 2 क्या कहते हैं, 3 का फ्रेंड कौन होता था? 2। ठीक है गाइस, इसमें तो ये था कि हमारे पास 5 अवेलेबल था जिसको हम नीचे कर लेते थे तो कोई भी डिजिट बना। सपोज मैं कोई और फॉर्मूला लेती हूँ, सपोज यहाँ पे 3 है, ठीक है, मैं कहती हूँ इसमें मुझे 4 ऐड करना है, वो कैसे? 5 में से 1 गया, दैट इज 4, है ना। इसमें क्या होता था हमारा 5 क्या कहते हैं, हमारे पास इंक्लूड होता था, मतलब सॉरी इंक्लूड नहीं होता था, हमारे पास 5 बचा होता था। इस कारण हम 5 को नीचे लाके कोई भी एडिशन या कोई भी सब्ट्रैक्शन कर सकते थे। बट गाइस, इसमें बिग फ्रेंड एडिशन कंसेप्ट में क्या होगा, देखो आपको फॉर्मुलेस विजिबल है ना। देखो गाइस, ये सपोज फर्स्ट फॉर्मूला +1 = -9 + 10, ये कहता है कि हमें +1 बनाना है। सपोज मेरे पास 9 हो, ठीक है, 9 है, ये देख ये 9 है मेरे पास, अब वो कहता है इसमें +1 और ऐड कर दो, +1 ऐड कर दो इसमें, अब वो कैसे करूंगी? क्या कहते हैं, स्मॉल फ्रेंड एडिशन कॉन्सेप्ट में तो ये होता था कि हमारे पास 5 अवेलेबल होता था, अवेलेबल होने के कारण मैं नीचे कर देती थी, 4 माइनस वो +1 बन जाता था, ठीक है। बट इसमें तो 5 इसके साथ इंक्लूड ही है, हमें हमारे पास तो अवेलेबल है ही नहीं, है ना, कोई भी यहाँ पे डिजिट अवेलेबल नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे? 10 का यूज, ठीक है, बिग फ्रेंड एडिशन में किसका यूज करेंगे? 10 का। ये मैंने 10 लिया, फिर -9 कर दिया, -5, -6, -7, -8, -9, वो क्या बन जाएगा मेरा? +1, ठीक है, 10 लिया, -9 किया, वो क्या बन गया मेरा? +1, ठीक है गाइस। चलो हम आपको नहीं समझ आया कोई ना, हम सेकंड देखते हैं। देखो यहाँ पे है +2 = -8 + 10, वो कहता है आपको +2 ऐड करना हो, तो आप कैसे करोगे?
सपोज मैं यहाँ पे एट ले लेती हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे एट लिया। अब वो मुझे कह रहा है आप इसमें प्लस टू ऐड कर दो, वही चीज मेरे पास फाइव अवेलेबल नहीं है राइट नाउ, तो मैं क्या करूंगी, टेन का यूज, क्या करूंगी, टेन का यूज। और क्या होता है गाइस, जो एट होता है ना उसका फ्रेंड होता है टू, क्या होता है, एट का फ्रेंड होता है टू, इसलिए मैं टेन लूंगी उसमें से एट माइनस कर दूंगी, वो क्या बन जाएगा मेरा टू। वो कैसे कैसे, देखो ये आपको विजिबल होगा, ये मेरे पास फाइव टेन फिंगर्स है मेरी, ठीक है, टेन ली मैंने। सपोज मेरे को कहा जाए कि आप अपनी टू फिंगर्स फोल्ड कर लो, मैंने ये टू फिंगर्स फोल्ड कर ली, ठीक है, ये वाली फिंगर फोल्ड कर देते हैं। अब आप बताओ रिमेनिंग कितनी फिंगर्स बची है हमारे पास, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सिक्स सेवन एट, कितनी फिंगर्स बची, एट, जिसके कारण टू का फ्रेंड क्या हो गया, एट, ठीक है। सपोज फिर से लेते हैं एक और एग्जांपल, सपोज मुझसे कहा जाए आप अपनी फोर फिंगर फोल्ड कर लो, मैंने अपनी फोर फिंगर फोल्ड कर ली, तो मेरे पास रिमेनिंग कितनी बची, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, जिसके कारण फोर का फ्रेंड कौन हो गया, सिक्स, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और देख लेते हैं, अगर मुझसे कहा जाए थ्री फोल्ड कर लो अपनी फिंगर्स, मैं थ्री फिंगर्स फोल्ड कर लेती हूँ, तो मेरे पास रिमेनिंग कितनी बचेंगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, मेरे पास कितनी बनी, सेवन, तो ये क्या हो गया, थ्री का फ्रेंड सेवन। तो गाइस ये ऐसे होता है, जैसे हमने स्मॉल फ्रेंड एडिशन में किया था ना कि वन का फ्रेंड फोर होता है, टू का फ्रेंड थ्री होता है, वैसे ही यहाँ पे वन का फ्रेंड नाइन, टू का फ्रेंड एट, थ्री का फ्रेंड सेवन, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, सपोज मेरे पास है सेवन, ठीक है, अब वो मुझसे कहता है आप इसमें थ्री ऐड करो, सेवन में थ्री और ऐड करो, ठीक है। अब मैं सेवन में थ्री कैसे ऐड करूंगी, सेवन में थ्री ऐड करने के लिए आप बताओ मैं क्या करूं, इसमें इसमें क्या होगा, सेवन में थ्री ऐड करने के लिए टेन लूंगी माइनस सेवन कर दूंगी, ठीक है। कैसे, क्यों, क्योंकि ये देखो टेन फिंगर्स है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास टेन फिंगर्स है, मुझे कहा गया थ्री फोल्ड कर लो आप, ठीक है, बाकी कितनी रिमेनिंग बची, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो सेवन का फ्रेंड कौन हो गया, थ्री। तो ये देखो अगर मुझे सेवन थ्री लेना है तो मैं क्या करूंगी, टेन लूंगी और माइनस सेवन कर दूंगी, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज मैं लेती हूँ नाइन, नाइन लिया, अब मुझे कहा जाए इसमें आप टू ऐड करो, अब टू ऐड करना है, मैं आपको पता है टू का फ्रेंड कौन होगा, टू ऐड करना है तो उसका फ्रेंड कौन होगा, माइनस एट, मैं क्या करूंगी, टेन लूंगी उसमें से माइनस एट कर दूंगी, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, टू, मैं टेन लिया माइनस एट करना है, माइनस माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन माइनस एट, तो ये क्या बन जाएगा, टू, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, सपोज ये मेरे पास सिक्स है, सेवन है, फिर से सेवन है, अब वो मुझसे कहता है आप इसमें क्या करो, प्लस एट करो, इन सेवन में प्लस एट और कर दो, अब बताओ मैं यहाँ पे तो टू ही बीट्स हैं, सफिशियंट बीट्स तो हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं, और फाइव भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो क्या करेंगे, तो वही फॉर्मूला, एट का फ्रेंड हमें पता चल गया कि टू होता है, दैट इज एट का फ्रेंड कौन होता है, टू, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, टेन में से टू माइनस करना है, क्यों, क्योंकि इस बारी हमने प्लस एट करना है ना कि प्लस टू, अगर मैं प्लस टू करती, ठीक है, अगर मैं प्लस टू करती इसमें, इसमें अगर मुझे कहा जाए कि मैं प्लस टू करूं तो उसके लिए क्या करूंगी मैं, क्या कहते हैं, नहीं सॉरी, अगर मुझे कहा जाए इसमें प्लस टू करो तो मैं टेन में से एट माइनस कर दूंगी, दैट इज प्लस टू,
बट वो मुझसे कह रहा है आप सेवन में टू और सेवन में आप थ्री और ऐड करो, टू तो थ्री ऐड करो, सेवन में थ्री ऐड करो, वो कैसे होगा? सेवन में थ्री ऐड करना, टेन में से सेवन गया, दैट इज थ्री। अब हम एट की बात कर रहे थे ना कि एट कैसे लेंगे, वो क्या करना है गाइस? देखो ये सेवन है, अब मैं एट का बताती हूँ। सेवन है ये, ठीक है। अब वो मुझे याद है इसमें आप एट प्लस कर दो। अब एट प्लस करना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास डेढ़ सी टू है, तो उसके लिए क्या होगा? टेन में से टू माइनस हो जाएगा, दैट इज एट, ठीक है। दूसरी भी एग्जाम्पल लेते हैं, देखो नेक्स्ट एक को एग्जाम्पल, सपोज यहाँ पे फाइव सिक्स सेवन एट है। अब मुझे क्या है इसमें आप नाइन प्लस कर दो। अब आप कहोगे कि यहाँ पे सफिशिएंट बीट्स नहीं है, बट मुझे एक चीज पता है कि नाइन का फ्रेंड कौन होता है? वन। नाइन का फ्रेंड कौन हो गया? माइनस वन। तो मैं क्या करूंगी, टेन लूंगी, उसमें से माइनस वन कर दूंगी, दैट इज नाइन, ठीक है। ये ऐसे फॉर्मुलेज यूज होते हैं क्या? एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वाली करेंगे। देखो सपोज ये देखो प्लस सिक्स है, वो मुझसे कहता है आप इसमें आप नाइन में प्लस सिक्स करो। अब आप कहोगे वो कैसे पॉसिबल है? वही चीज, हमें पता है कि सिक्स का फ्रेंड फोर होता है। सिक्स का फ्रेंड कौन हुआ? फोर, दैट इज सिक्स लेने के लिए हमें प्लस टेन करना पड़ेगा, माइनस फोर करना पड़ेगा। ये क्या किया मैंने, टेन लिया इसमें माइनस फोर कर दिया, ठीक है, दैट इज सिक्स हो गया। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया? फिफ्टीन, ठीक है। सो गाइज आई होप कि आपको ये समझ आई होगी, ठीक है। अगर गाइज क्या कहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ना हम इसके रिलेटेड सम्स करेंगे, ताकि क्या होगा आपको ये बिग फ्रेंड एडिशन कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या करना है अब तक के लिए, ये फॉर्मुलेस याद करना, ठीक है, ये फॉर्मुलेस या मेमोराइज कर लेना कि कैसे होते हैं। देन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करवाऊंगी, जिससे क्या होगा आपका ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो अगर गाइस ये वीडियो आपको समझ आई हो तो प्लीज शेयर कर देना, सब्सक्राइब एंड लाइक, ठीक है। अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगी। सो टिल देन बाय।